मनुष्य का जीवन जिस प्रकार से वह जीना चाहता है वह सोचता है, और परमात्मा जिस प्रकार से आप सोचेंगे उसी प्रकार से आप ढल जाएंगे। मनुष्य का दिमाग अंतरात्मा उसी जल के समान है, चाहे गिलास में डाल दीजिए तो गिलास का रूप ले लेते हैं। मनुष्य की सोच आगे तक ले जाती है, उसे करोड़पति बनाती है। मनुष्य की सोच उसको करोड़पति भी बना देती है। एक सेठ एक भिखारी से मिला और उसकी जिंदगी ही बदल गई। एक भिखारी ट्रेन में भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। एक दिन उसे एक सेठ जी मिले। अक्सर उसने कभी ट्रेन में नहीं देखा। भीख मांगते मांगते वह वहां तक पहुंच गया। मन ही मन सोचने लगा, इस सेठ से पैसे मांगूंगा कि अत्यधिक धन दे देंगे, मुझे जीवन भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने लगा, राम के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। जितनी देर था वह भाषाएं चेंज करता रहा और भीख मांगता रहा। सेठ जी ने एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी जब स्टेशन आ गया, जहां पर सेठ जी की मंजिल थी वहां पर सेठ जी उतर जाते हैं। भिखारी पीछे पीछे गया कि कुछ तो मिलेगा। सेठ कहने लगे कि मैं एक व्यापारी हूँ, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, और बिना दिए सेठ चले गए। भिखारी दिन भर सोचा, रात हो गई, सो गया। अगले दिन जैसे ही वह भीख मांगने के लिए ट्रेन पर चढ़ता है तो देखता है सामने फूल है। उसके मन में विचार आया कि जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा मैं उसे कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दूंगा। अब उसका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही गया। जब उसके पास फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख कम मिलती। उस सेठ ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक बार फिर वह सेठ उसे मिला तो भिखारी कहने लगा, सेठ जी जो आपने कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूं। आज मेरे पास सब कुछ है। गुरुमुखों सात संगत कहने का अर्थ है कि जीवन की जो लीला है, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। जब तक हम अच्छे विचार दिमाग में नहीं लाएंगे तब तक हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार से आप कोई मकान खरीदें तो लोन लेंगे या तो पैसा कमाएंगे, कई बरस गुजर जाते हैं, उसी प्रकार से यह जीवन जो है गुरुमुखो सात संगत प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं है। जिस प्रकार से भिखारी की जिंदगी बदल गई उसी प्रकार से आप किसी से प्रेम करेंगे, प्रेम के बदले प्रेम ही मिलेगा।